खास नाम है उनमें से दिल खैराबादी, शकील मुबारकपुरी, शाह आली, ये तमाम लोग तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हों में नाइस पे तशरीफ ले आएंगे। आइए इस वक्त मैं कोपागंज से तशरीफ लाए हुए एक नाटका को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सबको बहुत महसूस करेगा। नजमुल हुदा, मेरी मुराद है नजमुल हुदा से। गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ ले आए और नातिया के नाम से हम सबको महसूस करेगा। मुअज्जज़ हाज़िरीन-ए-किराम, दाइस पे बैठे शोरा इकराम, उलमा इकराम और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं अली जनाब अरशद मारूफी साहब, कलीम मारूफी। आइए नाते पाक से पहले एक मतला एक शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। जी इरशाद, अगर अच्छा लगे आप लोग दुआओं से सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल दर हकीकत उसकी दुनिया मिसले जन्नत हो गई। दर हकीकत उसकी दुनिया मिसले जन्नत हो गई, मिसले जन्नत हो गई, मिसले जन्नत हो गई। दर हकीकत उसकी दुनिया मिसले जन्नत हो गई, मिसले जन्नत हो गई। अरे जिसको सरकारे जब गजल का प्रोग्राम होगा तो ताली बजाने की छूट मिलेगी। ये नातिया प्रोग्राम है, उसमें ताली ना बजाएं, हाथ उठा कर ये हौसला दीजिएगा, हाथ उठा करके दाद दें, सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें और ताली ना बजाएं। दर हकीकत उसकी दुनिया मिसले जन्नत हो गई, मिसले जन्नत हो गई, मिसले जन्नत हो गई। जिसको नूर वहदत का उजाला सारे आलम में हुआ। मंजर भाई इस पे तवज्जो चाहूंगा। नूर वहदत का उजाला सारे आलम में हुआ, सारे आलम में हुआ, सारे आलम में हुआ। नूर वहदत का नबी की जात एक दस पर जो ईमाना नहीं सकते। क्या कहने, नबी की जात एक दस पर जो ईमाना नहीं
सकते शेर में सारे शामिल वाले का गांव समाज करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे हौसला दीजिएगा। नबूवत खत्म कर दी रब ने सरकार दो आलम पर, नबूवत खत्म कर दी रब ने सरकार दो आलम पर, आवाज खींच रहे नहीं, पानी नहीं चाहिए। किसी के पास जिब्रीले अमी अब आ नहीं सकते। हमारे बड़े मोहतरम फारूक दिलकर साहब हमारे सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, समाप्त करेंगे। अरे भाई बैठे रहेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। आप लोग अपने आप खुद बैठ जाएंगे लोग। हाँ सबसे खूबसूरत से आपके हवाले कर रहा हूं, समाज करेंगे बतौर खास। नहीं जिनके दिलों में सर वरे कौन इनकी उल्फत, नहीं जिनके दिलों में सर वरे कौन इनकी उल्फत, हजरत अभी मजमून होता कोपागंज से तशरीफ लाए और उन्होंने नाटक पेश करवाई। आप लोगों ने मोहब्बत के साथ सुना, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार था। आप लोगों में से चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठा उठा करके उन्हें दादू तहसीन से नवाजा। कुछ लोगों ने वाह वाह किया तो कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा और माशाअल्लाह की भी सदाएं हैं, कुछ लोगों ने बुलंद की होंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद अगले शायर को आपके सामने पेश करूंगा कि जब नाक पढ़ी जा रही हो, हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही हो, उनकी मधुर सताइश की जा रही है, उनकी सीरत बयान की जा रही है,
तो हमें वाह वाह न करके अगर हम लोग सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें, तो ये ज्यादा बेहतर है। आप लोग ये खुद जानते होंगे कि जब कुरान मजीद का कोई एक हर्फ कहा जाता है, अपनी जबान से अदा किया जाता है, तो हमारे नामे अमल में 10 नेकियों का इजाफा हो जाता है। अगर हम एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि हमें लगभग 70 नेकियां हमारे नामे अमल में दर्ज कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जब हमारी जुबान से सुभान अल्लाह निकलेगा तो शायद को हौसला तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ हमारा भी फायदा होने वाला है, यानी हमारे नामे अमल में इजाफा होने वाला है। ये हमारी खुशनसीबी होगी, हम सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे और नामे अमल में इजाफा करते हुए शायरों की हौसला अफजाई करते रहे, ये मौसम शायरा और खूबसूरत हो जाएगा, तारीख साज हो जाएगा और शायरों से आप लोग जुड़े रहेंगे। मैं अपने बुजुर्गों से भी, अपने उन दोस्तों से भी जो पीछे बैठे हुए हैं, जो दाहिनी तरफ हैं, जो भाई भाई हैं, सबसे गुजारिश करता हूं कि वो शायरों की हौसला अफजाई जरूर करते रहे, क्योंकि अगर उन्हें हौसला नहीं मिला तो वो जी भर के पढ़ नहीं पाएंगे, यू ही आवाज से माइक से वो परेशान चल रहे हैं। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों का हौसला मिला तो वो पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको महसूस करते जाएंगे। आइए, मैं अपने शायर को बुलाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि आज आज के इस प्रोग्राम की सदारत करवा रहे हैं अली जनाब अरशद मारूफी साहब और निगरान हैं इस प्रोग्राम के उस्ताद शायर अली जनाब अली मारूफी साहब, और मेहमान खुसूसी हैं वसीम इकबाल साहब चुन्नू भाई चेयरमैन महूसी और कन्वीनर हैं अफजल निसार मारूफी साहब। किराए पेश की मोहम्मद सोबान अल तमस मुतालिम मदरसा दारुल कुरान मऊमा इलाहाबाद ने, और इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में जिन अरकान मुशायरा ने बड़ी मेहनत की है उनके नामों में कुछ नाम ये हैं, मुमताज अहमद मौजिद तारिक जमाल और अमामत शाहिद अबू साद उर्फ गुड्डू हाफिज मोहम्मद अकरम जियाउर रहमान मोहम्मद अजमल अफजल माज मोहम्मद साजिद मास्टर नोमान जियाउर रहमान मोहम्मद आजाद। और सबसे खास बात ये कि आज के इस प्रोग्राम में जो शोरा तशरीफ ला चुके हैं उनके नाम क्या है हमारे बीच है, हमारे बीच तशरीफ फरमा है जनाब फारूक दिलकर साहब, शकील मुबारकपुरी साहब, साकिब लोहियावी साहब, जनाब दिल खैराबादी साहब, बिलाल तालिब साहब, गौहर मारूफी, नियाज मारूफी, शकील मारूफी, परवेज कौसर, खुर्शीद मारूफी, और इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो तशरीफ लाने वाले हैं।